हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको captchatypher.com का काला सच बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अर्निंग टिप्स से रिलेटेड और लर्निंग टिप्स से रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल पे हमेशा पैसे कमाने के तरीके हम बताते हैं, जिससे आप आसान तरीके से अर्निंग कर पाते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर हम बात करें दोस्तों captchatypher.com की, इसकी काला सच की, तो दोस्तों आपको हम पूरी वीडियो में अच्छी तरह से बताएंगे कि ये हम लोगों के साथ कैसे जो है दोस्तों captchatypher वाले जो हैं कैसे हम लोगों का दुरुपयोग कर रहा है। और तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। बात करें दोस्तों captchatypher की, तो ये वेबसाइट पे हम लोग क्या करते हैं, कैप्चा फिलिंग करते हैं, रिकैप्चा, रेगुलर कैप्चा फिलिंग करते हैं, उसके बदले पैसे देती है। बात सही है दोस्तों कि ये पैसे देती है और पेमेंट भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, 24 घंटे के अंदर दे ही देती है पेमेंट। और मैंने भी यहाँ से तकरीबन $5-6 तो अर्निंग किया है मैंने भी, और उसके बाद अब मैं captchatypher पे रेगुलर वर्क नहीं कर रहा हूँ। इसका कारण क्या है दोस्तों कि मुख्य रूप से हम बात करें captchatypher पे, तो सिर्फ $1 आपको पूरा करना है ना, $1 पूरा करने में अगर हम रिकैप्चा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 1000 से 1200 कैप्चा पे $1 तो मिल ही जाता है। लेकिन आपको अच्छा से पता होगा कि 1000 कैप्चा करने के लिए ना दिन भर का समय लग जाता है, फिर भी नहीं होता है, ये तकलीफ की बात है। अब मान लीजिए स्टूडेंट हैं या कुछ अलग कार्य आप कर रहे हैं और पूरी दिन आप दे देंगे, फिर भी $1 आपका होगा या नहीं होगा, ये मतलब से हम कैलकुलेट अगर किए, रेगुलर अगर कैप्चा मिलता नहीं है, अगर रेगुलर कैप्चा मिल रहा है तो आप 8 से 10 घंटा आप मेहनत करेंगे, तब जा करके $1 से $1.5 का अर्निंग होता है। तो अब बताइए, इतना टाइम देंगे पूरी दिन और ये सिर्फ $1 अर्निंग होगा, क्या आप इसमें खाना निकाल पाएंगे? खाना रहना कुछ नहीं हो पाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट हो गया और दूसरा काम भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, captchatypher पे वर्क कर रहे हैं, तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप सीरियसली पूरा टाइम नहीं दें। हो सके तो आप 1 से 2 घंटा का टाइम डेली देंगे तो महीने में आपका सिर्फ मोबाइल रिचार्ज निकलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये महीने का इजीली आ जाए, टाइम भी मेरा बचे, तो दोस्तों ये वेबसाइट बिल्कुल आपके लिए नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपका यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है, टाइम का अवेलेबल कीमत नहीं मिलने वाला है। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे भी 8 से 10 घंटा टाइम दे रहा है तो उसका दोस्तों दहियारी तो बनता है ना, 300-400 तो बनता ही है, 300-400 से कम बनेगा तो बेकार है, टाइम वेस्ट है। तो आप बिल्कुल अर्निंग करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर दोस्तों हजारों लाखों ऐसे वीडियो हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के, जिसमें 95% वीडियो बिल्कुल फेक है, 95% तरीके बिल्कुल फेक मिलेंगे आपको, सिर्फ 5% ऐसे तरीके मिलेंगे जहां से आप रियल अर्निंग कर सकते हैं। रियल अर्निंग करना चाहते हैं, ये ऑनलाइन से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी वेबसाइट आपको हम बता देते हैं जहां से आप बिल्कुल अर्निंग रियल कर सकते हैं, जो कि दोस्तों माइक्रो वर्कर है, जेन्युइन साइट है, पिको वर्कर है, या फिर इंडेक्स टोलोका है, या फिर दोस्तों डेटा माइन है, काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट है डेटा माइन, जहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा लेकिन डेटा माइन से आप अकेले इस वेबसाइट से 25 से 30 हज़ार तक महीने का कमा सकते हैं। लेकिन माइक्रो वर्कर पे रेगुलर अगर टाइम देंगे तो आप महीने का 2 से 3 हज़ार रुपये इजली कमा सकते हैं, जो कि जेन्युइन बात हम बता रहे हैं, आपको रियल बात बता रहे हैं। और अगर वर्कर की बात करें तो यहां से भी इसी तरह से अर्निंग कर सकते हैं। रिसेंटली हम वीडियो एक अपलोड किए हुए हैं अर्निंग एप्स वाला, जहां से आप $3 से $4 डेली का अर्निंग इजीली कमा सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों मुख्य रूप से पूरा का पूरा YouTube के वीडियो को अर्निंग टिप्स वाला वीडियो देखेंगे, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ आप थिंकिंग करेंगे, साल 2 साल टाइम देंगे, तब जाकर के आपको रियल फैक्ट ऑनलाइन अर्निंग का पता चलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो मेन इनकम का सोर्स है ऑनलाइन में, तो हम बता दें दोस्तों पहला ब्लॉग है। ब्लॉगिंग करके आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट इनकम नहीं मिलेगा, 1 साल तक काफ़ी मेहनत करेंगे तब जा करके आपका इनकम शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे एक करियर है। दूसरा, जो आप ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं YouTube,
YouTube से अर्निंग कर सकते हैं। अभी तक आप दोस्तों 2021 तक आप अगर अपना चैनल नहीं बनाए हुए हैं YouTube पे, तो YouTube पे आप एक चैनल बनाइए और अपना यहाँ से वीडियो अपलोड करके अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट दे करके, स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशनल चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चैनल स्टार्ट करके YouTube से काफ़ी अच्छा, काफ़ी आसान तरीके से आप लाखों रुपये अर्निंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग से भी कर सकते हैं। और साइड से आप छोटी छोटी ऐप्स है, वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, जिसके बारे में बताते रहते हैं कैसे अर्निंग करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह का अर्निंग टिप्स रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा। यूट्यूब से संबंधित कोई समस्या हो तो हम ऑनलाइन जो है आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो भी लाते रहते हैं, अर्निंग टिप्स से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपको यही बताना चाह रहे थे कि कैप्चा टाइप पे आप टाइम तो देंगे काफी ज्यादा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम के अकॉर्डिंग आपका पैसा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये काला सच है कैप्चा टाइपर का, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन साइट है। जितना काम करेंगे, जितना आपका अर्निंग होगा, उतना पैसा तो देगी ही देगी, लेकिन पैसा कम देती है, आपके वैल्यूएबल टाइम के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों आप अगर आपका टाइम काफी कीमती है, आपका पूरा दिन भर का टाइम $1 कमाने के लिए नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप साइड से 10-20 मिनट या फ्री टाइम में कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल में, बस में, ट्रेन में, इस टाइम में आप चाहें तो कैप्चा टाइपर में कुछ कैप्चा एंटर करके कुछ अर्निंग कर सकते हैं, रिचार्ज तो आ जाएगा। तो इस थिंकिंग से आप कैप्चा टाइपर पे वर्क करके अर्निंग करें, या कैप्चा टाइपर से ज़्यादा आप जो है दोस्तों उम्मीद मत रखें। अगर उम्मीद रखते हैं तो दोस्तों आप डेटा माइन या इंडेक्स टोलो का है, या माइक्रो वर्कर, पिको वर्कर, इस तरह की वेबसाइट से उम्मीद कर सकते हैं काफ़ी अच्छा अर्निंग करने का, 5 से 10 हज़ार रुपये महीने का अर्निंग करने का। और आगे की बात है पैसिव इनकम की, तो यूट्यूब और ब्लॉग है जहाँ पे आपका करियर एडजस्ट हो सकता है। ब्लॉगिंग का करियर काफ़ी ब्राइट है। आप दोस्तों अगर अर्निंग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप दोस्तों शेयर मार्केट भी स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट पहले के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मतलब बोला जाता था कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्की है। रिस्की तो है, लेकिन इसमें सीखना पड़ता है। आप सीखेंगे तो यहाँ से इजीली अर्निंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर मार्केट भी ऑनलाइन अर्निंग करने का बहुत बेस्ट तरीका हो सकता है। खास करके शेयर मार्केट में काफ़ी सारे लोग इंट्राडे में फंस जाते हैं, वहाँ पे अपना पैसे काफ़ी सारे लॉस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप इंट्राडे में बिल्कुल शुरुआती दौर में ना जाएं, आप डिलीवरी से स्टार्ट करें, आपको प्रॉफिट होगा, उसके बाद आगे वर्क करते चले जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही लें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।